स्वागत है आप सभी का एसएस न्यूज में, मैं आपके साथ मुस्कान। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से कर्नाटक राज्य के विभिन्न हिस्सों में जल जमाव के कारण लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इसके अलावा बात की जाए तो कर्नाटक राज्य के यादगिरी जिला और हुंसगी तालुका में करीब 20 से अधिक घर भारी बारिश की वजह से पानी में डूब चुके हैं। इन घरों के अलावा बात की जाए तो काफ़ी दुकान भी यहाँ पर पानी में डूब गए हैं। और इसके अलावा जो किसान हैं उनकी खेती भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। और इसके अलावा मौसम विभाग के ओर से ये सूचना स्पष्ट की गई है कि आने वाले 5 दिनों में और भारी बारिश होने की संदेह जताए जा रहे हैं। विजयपुर समेत आसपास के कई इलाकों में लगातार 5 दिनों तक भारी बारिश का अनुमान मौसम विभाग की ओर से लगाया गया है। यादगिरी जिले के हुंसगी तालुका में गेडलमरी ग्राम में 20 से अधिक घर डूब गए हैं, साथ ही सभी दुकानें में भी पानी भर चुका है। अब तक राहत बचाव का कार्य यहां जारी है। तो वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो इस बारिश के संकट के कारण लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है और किसानों की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसानों के साथ अन्य लोगों को इस बारिश की वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा नगर में इसी के चलते भाजपा विधायक बबलू गौड़ की ओर से सरकार द्वारा मुआवजा दिलाने की बात कही गई है, आश्वासन दिया गया और साथ ही सभी लोगों से इनकी परेशानी जानी गई है। एसएस न्यूज से जुड़े हर लेटेस्ट जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एसएस न्यूज को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले न्यूज देखने के लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर इस चैनल से जुड़े हर नए मुद्दे आपको पसंद आए हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। और लगातार अपडेट के लिए देखते रहिए एसएस न्यूज।